दोस्तों, अपने प्रेगनेंसी के दौरान आपने एक शब्द जरूर सुना होगा जिसे कहा जाता है बेबी ड्रॉपिंग। अगर नहीं सुना है तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस बेबी ड्रॉपिंग के बारे में बताने वाली हूँ। इसको ही कहा जाता है बेबी का चौखट में उतरना, या फिर अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे बोलें तो इसे कहा जाता है बेबी लाइटनिंग। और आम भाषा की बात करें तो आम भाषा में इसे कहा जाता है बेबी नीचे उतर गया है। तो आखिर ये बेबी नीचे कैसे उतरता है और कब आपको पता चलेगा कि आपका बेबी नीचे उतर गया है और उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बेबी ड्रॉपिंग होता क्या है। जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है और प्रेगनेंसी 38वें या 39वें हफ्ते में पहुँचती है, तो उस दौरान आपका जो बेबी है वो हेड डाउन पोजिशन में आता है और जो कैविटी होती है उसमें अपना सर फंसा लेता है। जब बेबी नीचे चला जाता है, कैविटी में अपना सर फंसा लेता है, तो इसको ही कहा जाता है बेबी ड्रॉपिंग, या आम भाषा में इसे कहा जाता है कि बेबी नीचे उतर गया है। इस दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपका बेबी नीचे आ चुका है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब आपकी पहली प्रेगनेंसी चल रही होती है उस दौरान आपको इसके बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने इसे कभी महसूस ही नहीं किया होता। लेकिन जब आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी चल रही होगी तो उस दौरान आपको ये पता तो चलता है, लेकिन कभी कभी ये प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर, यानी कि जब आपको लेवर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये होता है। तो ये मेनली होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जब कैविटी में आपका बेबी हेड फंसा लेता है तो उसके बाद कभी भी आपकी जो सर्वेक्स है उसका मुंह खुल जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस बेबी ड्रॉपिंग के कुछ खास संकेत होते हैं, तो उन संकेतों को जानना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी बेबी ड्रॉपिंग को जानना था। तो सबसे पहला संकेत है सांस लेने में दिक्कत ना होना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने प्रेगनेंसी के दौरान ये महसूस किया होगा कि आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। सांस तो ली जाती है लेकिन काफ़ी धीमे धीमे आपको सांस ली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बेबी जो है वो आकार में बढ़ चुका होता है और आपके फेफड़ों पर दबाव डालने लगता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और आप काफ़ी मुशक्कत के बाद गहरी सांसें ले पाते हैं। लेकिन जब आपका बेबी ड्रॉपिंग पोजीशन में आ जाता है तो आपको सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। आप खुल के अच्छी तरीके से सांस ले पाते हैं क्योंकि पेट का जो ऊपर का हिस्सा है वो खाली हो चुका होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी के आगे आने वाले समय में आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बेबी ड्रॉपिंग पोजीशन में आ गया है और आपको हॉस्पिटल के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि आप कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा संकेत है आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होना, या फिर प्रेशर के साथ आपको काफ़ी तेज़ दर्द भी हो सकता है। कभी कभी प्राइवेट पार्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ तक कि आप उठने और बैठने में भी समर्थ नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा आपको महसूस होता है, प्रेशर आपको इस तरीके का महसूस होगा पेल्विक एरिया में जैसा कि वॉशरूम आने का प्रेशर होता है, तब भी आपको ये समझ जाना है कि आप बेबी जो है वो ड्रॉपिंग पोजिशन में आ गया है। तीसरा संकेत यह है दोस्तों कि गर्भवती महिलाओं को बार बार यूरिन जाने की समस्या से गुजरना पड़ता है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बेबी नीचे चला जाता है, सर्वेक्स में हेड फिक्स कर लेता है, वहाँ पर आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है और उस पर उसका हेड बार बार प्रेशर बनाता है। तो बार बार प्रेशर बनाने की वजह से आपको हर टाइम ये महसूस होता रहेगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, और आप हो सकता है हर 5 या 10 मिनट के अंतराल में वॉशरूम जाती रहें। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो ये भी सामान्य है और ये एक संकेत है आपके बेबी का ड्रॉपिंग पोजीशन में आने का। तो ऐसे में भी घबराना नहीं है, तैयार हो जाना है हॉस्पिटल के लिए। इसके अलावा दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान बार बार पैरों में झुंझुनाहट भी महसूस होती है, यानी कि आपके पैर में आपने कभी महसूस किया होगा एक अलग तरीके की झुंझुनाहट होती है, ठीक उसी तरीके की झुंझुनाहट आपको इस दौरान भी होगी, लेकिन ये बार बार आपको महसूस होगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है बेबी ड्रॉपिंग होने का, और ये इस वजह से होता है क्योंकि बेबी अब आपके लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने लगा है। इसके अलावा आपको ये भी महसूस होगा कि बेबी ने मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कम कर ली है, क्योंकि अब बेबी ने हेड फिक्स कर लिया है तो उसका मूवमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, वो सिर्फ यहाँ पर अब किक मार सकता है। तो अगर बेबी का मूवमेंट कम हो गया हो तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और अब हो सकता है कि किसी भी वक्त आपका बेबी मूवमेंट करना बंद कर दे, तो आपको उसकी मूवमेंट पर नज़र बना कर रखनी है, क्योंकि जैसे ही मूवमेंट बंद होगी, हो सकता है आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया हो और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना हो। इसलिए अब आपको हर पल सचेत रहना होगा
होगा कि आपका बेबी किस टाइम पर कितनी मूवमेंट कर रहा है, उसकी मूवमेंट पर आपको नज़र बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंत में सबसे बड़ा जो संकेत यहाँ पर दिखाई देता है वो गर्भवती महिलाओं को ये दिखाई देता है कि उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में तो जी मचलाना, उल्टी जैसी समस्याओं की वजह से कुछ खाने का मन नहीं करता है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हैं, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में कदम रखते ही जब बेबी का साइज़ बढ़ने लगता है तो खाना खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि यही महसूस होता रहता है कि पेट भरा हुआ है। लेकिन जब बेबी ड्रॉपिंग पोजिशन में आ जाएगा तब आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको ये महसूस होगा कि अब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाना भी खा सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा महसूस होने लगे तो आप समझ जाएं बेबी ड्रॉपिंग पोजीशन में आ गया है। और इन कंडीशन में से ये नहीं है कि आपको ये सारी कंडीशन नज़र आएंगी, हो सकता है आपको इनमें से कोई एक कंडीशन नज़र आए या फिर कभी कभी सारी भी नज़र आ सकती हैं, लेकिन अगर आपको एक या दो भी नज़र आती हैं तो बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ। इसका यही मतलब होता है कि अब बेबी ड्रॉपिंग पोजीशन में गया है, धीरे धीरे जो आपका सर्वेक्स है यानी कि गर्भाशय जो है उसका मुंह खुलना शुरू होगा, और जब मुंह 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुल जाएगा तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो बिना देरी करें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और तुरंत आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।